क्या है मामला? ओ भाई, ओए ओए, क्या है मामला? क्या है मामला? क्या है ये गाड़ी आई है? हाँ की गाड़ी है। हाँ बोल रहा है कि नहीं, गलती से आ गई। गलती से हम कैसे आ गए? तुम कैसे एसडीएम हो कि गलती से ये ड्राइवर इधर भी मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी लगी है साथ? ये बताले की साजिश है एकदम। अच्छा देखिए, अब ये गाड़ी देखिए, ये 83 84 96 ये एसडीएम की गाड़ी है। एसडीएम को नहीं मालूम ऐसे कैसे आएगी? मजिस्ट्रेट साहब अपना नाम नहीं बता रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। नाम नहीं बता रहे हैं। नाम बताओ। नाम बताओ। क्यों नहीं बता रहे? कैसे नाम बताओ? अपना नाम हम आपका 10 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं। सारी बसें रुका के पूरी बसें पूरी स्क्वाड करके कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं। आपका नाम क्या? अपना नाम बता। खड़े नहीं ना, ये भी जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। सरकारी वाहन ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हमने इनसे एक दिया पूछा, ये खड़े नहीं किया। हमने खेत में पूछा इसमें क्या है, आप बोले काम कर दिए। हमने आपको गेट में पूछा, दो बार आपको रोका। आपका नेम प्लेट का? आप लोग क्या भर रहे हैं बताइए। हमें भ्रम ये है, ये ईवीएम अंदर कैसे आई? अगर रिजर्व में तो ये कलेक्ट्रेट अगर निर्माण कैसे आई? ऐसे नहीं है मान्यवर, आप मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गाड़ी से आई है, सारी बसें लाइन में लगा के हिंसा और प्रशासन का सहारा लेके उसके बाद ये गाड़ियाँ सब निकाली गई। अरे सुनो, अरे सुनो, सपा से कौन है? आप बोलो, आप हम सब लोग। हाँ हम सब लोग। मुझे एक मिनट दो, मैं समझ लो, इसी गाड़ी की बात हो रही है ना। मुझे एक मिनट दो, मैं पूछता हूँ कहाँ से आया, क्या है आपको? आप ईवीएम रिजर्व जो तुम्हें उसकी गाड़ी उसको कहाँ जमा करना था? जमा करना था अगर आप मुझे पार्टी से कौन आप लोग हैं? जी जी हम लोग सब लोग हैं। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, इधर आओ पीछे। आपको सबको जमा करना था, कह रहा हूँ ठीक है जी। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेते हैं। मैं तुरंत गाड़ी ले जा रहा हूँ। गाड़ी में रिजर्व वाली ईवीएम सब स्टिकर लगी है जी सर, स्टिकर लगी होगी ठीक है। हम आपको दिखा देंगे, सुनो मेरी बात, आपको दिखा भी देंगे हम लोग। रिजर्व ईवीएम स्टिकर लगी होगी, उसके बाद गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हो वहाँ पे जिले पे बेरा होगा। ये सारे अरे नहीं, इतनी खराब कैसे होंगी मशीन? अरे सुनो बात ठीक है, मैं आ रहा हूँ मछली शहर का, मैं बताऊँगा ना आपको जो भी ठीक है। जब ईवीएम हम बेचते तो रिजर्व ईवीएम जो सुबह खराब होती है तो कहीं ना कहीं से आती है ना वो रिजर्व। ये तो बता रहा हूँ मुरादाबाद शाहपुर से लाया है सर। मछली शहर का नहीं है ये, ये जौनपुर का है, जानते हैं हम यार, पता है सब, पता सुन लिए। ये हर बार ऐसे होता है, एक आध गलतियाँ जरूर हो जाएंगी, क्या करोगे? वहाँ जाइए पहले।
मैंने आपके सामने पूछा है ना, ठीक है, मैंने आपके सामने पूछा है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सर इसमें स्टिकर लिखना चाहिए ना, कोई चीज फ्रंट में लिखना चाहिए, जैसे गाड़ी आई है, कहाँ की गाड़ी आई, क्या है, रिजर्व में है, क्या है। और सर ऐसे नहीं आई, देखिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि सारी बसें रुका के जो हमारे पीठासीन अधिकारी आ रहे थे उनको साइड लगा के तब ये गाड़ी निकाली गई। मैं इनके साथ में पीछे चल रहा था। सब लोग जो है शांत रहो, ठीक है, बात हो गई ना, ठीक है, आप जाओ ऊपर आओ, ये तो गलती कहाँ जा रहा है, इससे गाड़ी कैसे जाएगी, पूरा भरा है ट्रक, पूरा ट्रक भरा है, पूरा ट्रक भरा हुआ, हटे हटे मैं दिखा रहा हूँ, पूरा ट्रक भरा, अरे रुकिए मैं खोल दूँगा, ये पूरा ट्रक, रुक जाओ, उतर जा वे, उतरो, आपने आपको साफ को देखना, आपको साफ में देखना, गलती से आ गई तो कलेक्ट्रेट जाना चाहिए, कलेक्ट्रेट भेजना था, तो अब लोग कह रहे हैं गलती से आ गई, हम कलेक्ट्रेट भिजवा दे रहे हैं। जी सर बाबूजी देख लीजिए, बाबूजी देखिए, बाबूजी हमारे गाड़ी अभी नहीं जाएगी, तहसीलदार साहब आप कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा बाबूजी हमारी लाइफ, अभी ये गाड़ी नहीं जाएगी, तहसीलदार आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, चाहे चाहे आरओ साहब हो, कोई भी हो, गाड़ी नहीं जाएगी, चाहे जी लोग गाड़ी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये में देखिए पूरा भरा हुआ है, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी आई है, गई है, नहीं पता, लेकिन एक गाड़ी इन्होंने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा है, देखिए सब लोग खड़े हैं, देख लीजिए तहसीलदार साहब भी है, और इसमें सारी ईवीएम भरी हुई है, सारी ये लोग कह रहे हैं कि ये गलती से आ गया, आरओ साहब ये मछली शहर है, ये मछली शहर से आ गया, हाँ बोला, ठीक है, चुनाव सबका है, ऐसे नहीं है कुछ हो रहा है, चुनाव सबका है, हम सब लोग जो है, नहीं हो तो रहा है साहब, आप भले ही सफाई दीजिए, लेकिन आप संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हम लोगों को, एक घंटे से गाड़ी खड़ी है, हमने गेट पर इस गाड़ी को रोका था, उनको हमको बताना चाहिए था, हमको हम ये हैं ये नहीं है, लेकिन ये चुपचाप हूटर बजाते हुए और पीछे सायरन के साथ बिल्कुल स्पॉट करते हुए गाड़ी लेके आए, हम बता रहे हैं हम लोग, अच्छा आप लोगों ने जो है जागरूक है, आप लोगों ने बताया तो इसलिए ये सामने आया, हमें पता चल गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई आदमी जागरूक नहीं रहता तो खेला हो जाता, खेला हो जाता, ठीक है, हो कुछ नहीं होता, आप लोगों के भरोसे रहो तो हो गया, चुनाव हो गया, ये तो होना चाहिए, बच्चों की तरह प्रत्याशी महोदय आएंगे, अरे ईवीएम गाड़ी पकड़ी गई, हाँ वो रिकॉर्ड हो गया, कह रहे हैं बाबू जी आएंगे तब गाड़ी जाएगी, गाड़ी नहीं आएगी, बोला पूरी पूरी मीडिया, मीडिया बोला पूरी मीडिया बोला, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, हो गया, उसने बताने का प्रयास किया होटल बजा के, अरे मेरे सायरन लगा के बहुत चेकिंग ले आए, ये हमारे बिना चेकिंग के बेटे हैं, नंबर 8 बाहर नहीं घुसने दे रहा, क्या
क्या मामला है? आप लोग हम बताएं, नेम प्लेट तक नहीं, नेम प्लेट सब से पूछ रहे हैं। मैंने रोका, मैंने पूछा इसमें क्या है, तो ये गेट पर रुके नहीं और गाड़ी बहुत लगन के साथ भराई है। 10 किलोमीटर से हम लोग पीछे आ रहे हैं, 10 किलोमीटर पीछे, 10 गाड़ी ने अंदर आ गई, पूरा ट्रक आ गया, पास लगा कुछ लगा। यहाँ हम कुछ नहीं देते, गलत है समझौता किस बात का, आप जी बताइए मुझे। अरे सब लोग मिले हुए हैं, तुम्हारे पास गाड़ी से लेकर हर चीज सब। 1.5 घंटे बाद आप गाड़ी के गाड़ी खड़ी है, तब आप आए हैं यहाँ पे, पूरा मैनेज करके आए हैं। 1.5 घंटे में ड्राइवर का पता ना, पुलिस वाले का पता ही नहीं, मशीन छोड़ के पुलिस वाला भी भाग गया। अभी ये बोले कंप्रोमाइज करो, किसी की कंप्रोमाइज करे, क्या कंप्रोमाइज है इसमें, चुनाव छपता है, हरी भाई कंप्रोमाइज किसी का झगड़ा हुआ, कंप्रोमाइज करे, दो पक्षों का खुला करा दे, अरे अब फंस गए तो बात, कंप्रोमाइज का क्या मैटर है, अभी अपना नाम नहीं बता रहा है, नेम प्लेट पुलिस वाले के ऊपर, ड्राइवर अपना नाम नहीं बता रहा है, कोई भी चेंज बदली कर दे, क्या प्रोटेक्शन है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी लेके आगे लेके आ रहे, मजिस्ट्रेट की गाड़ी के प्रोटेक्शन, अगर ये सही क्यों छोड़ के भाग गए, आने पैदल रोक रहे हैं, चली आई अरे छोड़ दे, स्टीकर नहीं लगा, एक कार नहीं अंदर आने दे रही, कैसे आ गया, सबसे बड़ी चीज तो ये है।